ओके, सो पार्ट 1 में हम लोगों ने कवर किया था फिनिक्स, जेट एंड यूरू को, एंड आज के इस पार्ट में हम लोग बाकी एजेंट्स के बारे में कवर करेंगे जो भी ड्यूलिस्ट हैं। एंड स्टार्ट करते हैं हम लोग रैना से। नाउ रैना के लिए मैं तुम्हें बताऊंगा पहली चीज जो कि हर कोई करते हैं बट दूसरी चीज जो कि कोई नहीं करता। सो हम बात करते हैं पहली चीज की जो कि है लियर करना। अब ऑब्वियसली हर कोई लियर करता है, चाहे वो ऐसे सिंपली होगा या फिर कुछ लोग वॉल के थ्रू लियर करते हैं। बट यहाँ पर पता प्रॉब्लम क्या आती है, तुम लियर करते हो, तुम जाते हो एंड तुम मर जाते हो। फिर तुम सोचते हो कि भाई मैंने तो उसको लियर किया था, इससे मेरे को मार कैसे दिया। सो ये चीज़ इसलिए हुई क्योंकि जो तुमने लियर किया था वो था बहुत ज़्यादा गलत। एंड इसका आंसर मैं तुम्हें अभी देने वाला जो कि दूसरी चीज़ जो कोई नहीं करता, सो वो ये है कि तुम्हें अपनी लेयर को हमेशा मैप पे देखते हुए यूज़ करना चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर तुम जैसे यहाँ पर लेयर करते हो तो तुम्हें ना लेयर ऐसे नहीं करना, ये बहुत ही गलत है। तुम्हें देखना कि मान लो अगर यहाँ बंदा ऑफ कर रहा है तो यहाँ से लेके यहाँ तक कौन सा एंगल बनता है एंड तुम उसके हिसाब से ऐसे लेयर करो, लाइक ऐसे। सो दिस विल बी द परफेक्ट लेयर यू कैन डू। एंड एग्जाम्पल उसके एंगल से तुम देख सकते हो कि बिना सोचे समझे लेयर करने पे मेरे साथ क्या हुआ एंड आफ्टर मैंने ढंग से लेयर किया मेरे साथ क्या हुआ। सो यही सबसे बड़ी टिप है जो मैं तुम्हें देना चाहूंगा लेयर के बारे में। नाउ बात करते हैं रैना की दो मेन एबिलिटी की, जो कि है पहला हील करना एंड दूसरा डिसमिस करना। अब ये दोनों एक्सप्लेन करना तो सिंपल ही है। हील वाले में तुम मार के हील कर सकते हो, तुम्हारी हेल्थ बढ़ जाएगी। एंड डिसमिस में तुम जैसे किसी को मारते हो तुम थोड़ी देर के लिए इनवॉर्नेबल हो जाते हो, मतलब तुम्हें कोई मार नहीं पाता एंड तुम आराम से कहीं भी चल सकते हो। सो यहाँ पर मैं अपनी मेन टिप देना चाहूंगा पहला हील को लेकर। सो हील में क्या होता है, लोगों का एक मेंटेलिटी होती है कि भाई मैं हील तो कर ही लूंगा, चलो मैं शील्ड नहीं देता, मैं सिंपली वेंडर लेके जाता। एंड इससे क्या होता है ना कि तुम लोग तुम वन वर्सेस वन फाइट में हार जाते हो, क्योंकि उस बंदे के पास होता है हैवी शील्ड एंड तुम्हारे पास कोई शील्ड नहीं होता। तो ये चीज मत लेके चलो यार। फॉर एग्जांपल तुम यहाँ पर देख सकते हो रैना के पास था 2900 बट उसने सिर्फ वेंडर लिया और कुछ भी नहीं लिया। इस टाइम पे ये सेफ नहीं होता। हाँ, तुम इस टाइम पे कर सकते हो, यहाँ पर तुम देखो मेरे पास सिर्फ शेरिफ था इसलिए मैंने हैवी शील्ड नहीं ली, मैं इको कर रहा था एंड उसके बाद मैंने वेंडर उठाई एंड देन अपना अल्टीमेट करके मैंने बंदों को मारा। सो यहाँ पर तुम देख सकते हो इसको ऐसे यूज करते हैं। एंड सो ये था मेरा इंपॉर्टेंट टिप इस एबिलिटी को लेकर। अब हम बात करते हैं सबसे मेन एबिलिटी की जो कि है इसका अल्टीमेट। सो पहले टिप होती है कि जैसे तुम मार्केट जब डिसमिस करते हो ना तुम्हें लगता हो कि मैं बंदे के पीछे चला जाता हूँ बट एक्चुअल में बंदों को आवाज आती है तुम्हें डिसमिस की। यहाँ पर तुम इस क्लिप में देख सकते हो कैसे मैंने डिसमिस किया एंड मैं जैसे ही जा रहा था उस नियॉन को पता चल गया कि यहाँ पर रहना है एंड उसने मेरे को सीधा मार दिया। एंड दूसरी बात में तुम मेरी ये इंस्टाग्राम वाली क्लिप देखो, बाय द वे मेरे को इंस्टा फॉलो कर लेना। सो मैं कह रहा था कि यहाँ पर तुम देख सकते हो मैंने जैसे ही एक बंदे को मारा मेरे को एक टाइम मिल जाता है थोड़ा सा जिसमें मैं अपना एम को वापस से मैं रीएडजस्ट कर सकता हूँ एक टाइप का। यहाँ पर तुम देखो मैंने मारा एंड मैंने सीधा रीएडजस्ट करके उसके हेड पे एम किया एंड मैंने उसको मार दिया। सो ये एक बहुत अच्छी टिप मैं देना चाहता हूँ क्योंकि लोग इस चीज़ पर ध्यान नहीं देते बट अगर तुम दोगे तो तुम्हारे लिए ज़रूर हेल्पफुल होगा। सो या इस चीज़ का जरूर ध्यान रखना। ना अब हम बात करते हैं नियॉन की। सो नियॉन में सबसे मेन चीज़ तो यही होती है कि भाई कैसे हम लोग करें बैक डैश। बहुत लोग मेरे से पूछते हैं कि भाई बैक डैश मेरे को नहीं आता करना एंड कैसे करते हैं इसको। सो मैं तुम्हें बताऊंगा सबसे इजीएस्ट वे में कि तुम कैसे कर सकते हो एक बैक डैश। सो बैक डैश के लिए सबसे पहले क्या नहीं करना चाहिए वो मैं बताता हूँ। सो आफ्टर ई दबाने के बाद तुम जैसे हवा में होते हो इस टाइम पे तुम्हें दो चीज़ तुम्हें नहीं करनी। पहला, तुम्हें राइट क्लिक एंड डब्ल्यू को दबा के नहीं रखना है। एंड ऐसा भी नहीं है कि तुम्हें पहले डब्ल्यू दबाना है फिर राइट क्लिक दबाना है या फिर राइट क्लिक दबाना है फिर डब्ल्यू दबाना है। तुम्हें दोनों ही चीज़ को जैसे तुम एकदम एंड टाइम पे पहुंचने वाले हो उसके हल्का सा पहले तुम्हें दोनों ही चीज़ को क्लिक करना है, तब तुम्हारा सुपर डैश मस्त हो जाएगा। एंड वही अगर तुम चाहते हो लेफ्ट में जाने की तो तुम सेम चीज़ करो, बस आओ ये वाला अपना ई को यूज़ करो एंड जैसे तुम हवा में होते हो तब तुम्हें करना है ए एंड राइट क्लिक, बस क्लिक करना है ठीक है। तुम्हें डैश तुम्हें दबा के नहीं रखना है, सिर्फ क्लिक करना है। सो देखो, सो जैसे मैं जमीन पे आता हूँ मैं सिंपली ए और राइट क्लिक दबाता हूँ। सो ऐसे मैं अपना ये चीज़ को कर लेता हूँ। सो यही था इस चीज़ के बारे में। एंड बाकी जो इसकी अगली एबिलिटी होती है जो कि होती है स्टन करने की, तो स्टंट करने में तुम्हें ये चीज़ बताऊंगा कि बहुत लोग क्या करते हैं, वो लोग ना पहले वॉल पे करते हैं फिर जमीन पे करने की कोशिश करते हैं। देखो मैंने वॉल पे किया फिर ओह नो वो तो कहीं और ही चला गया। एग्जाम्पल नंबर 2, हमने वॉल पे किया टकरा के वो ज़मीन पे आ गया। बट इसके लिए तुम्हें इसका उल्टा करना चाहिए, तुम्हें पहले ज़मीन पे मारना चाहिए एंड फिर वो अपने आप ही वहाँ चले जाएगा। सो इसको अच्छे से यूज़ करने के लिए मान लो एक बंदा यहाँ पर है एक और एक बंदा चांस है कि वो वहाँ आ जाए, तो इसके तुम बेस्ट चीज़ करो तुम यहाँ पर यूज़ करो एंड वो टकरा के वहाँ भी चला जाएगा। सो एक बार पे दो दो चीज़ हो जाएगी। सेम गोज़ फॉर हेयर, मान लो कोई यहाँ पे है एंड कोई वहाँ पे है तो तुम यहाँ पर करो एंड उड़ के वहाँ चला जाएगा। लोग क्या करते हैं ना, लोग यहाँ करते हैं एंड बस वहीं पर वो यूटिलाइज पूरा हो जाता है, यहाँ पर होता ही नहीं। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि तुम यहाँ पे करो एंड उसको टकरा के वहाँ जाने दो। सो या बाकी इसी के लिए तो मैं जब अपनी वीडियो में बताया था बट एक क्लास में बता देता हूँ, अगर तुम बिना ऊपर देखे तुम सिंपली यहाँ करते हो तो वो इससे आगे नहीं जाने वाला। बट अगर ये जो ऑब्जेक्ट दिख रहा है अगर तुम इसके ऊपर से करते हो एंड फिर तुम करते हो
देन तुम देख सकते हो कैसे वो उसके थ्रू जा रहा है। सो ये चीज तो हमेशा याद रखना कि जब भी तुम वॉल करो हमेशा से ऊपर देखे वॉल करा करो। बाकी इसका तो तुम्हें पता ही है। अब इसमें क्या होता है, तुम्हारी स्पीड इतनी बढ़ जाती है कि तुम्हें बिहॉप करने में बहुत ज्यादा आसानी होती है। एंड अगर तुम बिहॉप को मास्टर कर लेते हो ना तो भाई एक जगह से दूसरी जगह जाना बहुत ज्यादा फास्ट हो जाता है। सो मैं तो हमेशा ही बोलता हूँ कि बिहॉप करा करो भर भर के, एंड बिहॉप करना तो लाइक बेस्ट चीज है। सो या नाउ अब हम बात करते हैं अपने फ्लाइंग एजेंट की, जो कि हमारी रेस। एंड ज्यादा टाइम पता है मुझे क्या लगता है, रेस में खाली ऑटोमेटिक टाइप के एजेंट होते हैं। लेकिन उसमें तुम्हें क्या करना है, तुम्हें सिंपली आना है, अपना बूमबॉट फेंकना है, वापस से आओ, तुम अपना नेट फेंको, अपने सैजेट फेंको, बंदे को डैमेज करो। सो ये ना एक टाइप का लाइक ऑटोमेटिक है यार, मेरे को कुछ समझ नहीं आता इस एजेंट की, इसलिए मैं ज़्यादा अब रेस खेलता नहीं हूँ। हाउएवर इसकी एक बहुत बड़ी एबिलिटी है जो कि है फ्लाई करना। फ्लाई में तुम मस्त अपना सैजेट यूज़ कर सकते हो एंड बहुत दूर दूर जगह उड़ के मतलब बंदे को मार सकते हो। सो सैजेट को यूज़ करके तुम बहुत फास्ट मूवमेंट्स यूज़ कर सकते हो। लाइक दिस एग्जांपल तुम देख सकते हो मैं कितनी जल्दी यहाँ पर आया एंड बंदे को मैं मस्त मार सकता हूँ। एंड बाय द वे अगर तुम चाहते हो कि मैं एक वीडियो बनाऊँ अबाउट रेस सैजेट्स, सो मेरे को कमेंट में जरूर लिखना सैजेट नीडेड एंड मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। सो या Yeah.